प्रयास के ऊपर बात हुई, संभावनाएं तलाशी गई। अभी पवन जी बात कर रहे थे भारतीय मजदूर संघ से, बड़े अच्छे इन्होंने बातें रखी, सीधी सीधी साफ सुथरी बातें थी। तो खैर, इसी प्रयास में मैं आकाशवाणी की ओर से अपनी बात रखता हूं, शीघ्रता से और छोटी सीधी बात करूंगा। आप सभी इस समय मुझे सुन रहे हैं और मेरी आवाज सुनकर भी आपको कुछ कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि हम आकाशवाणी से जुड़े हुए लोग हैं जो सूचना और प्रसारण का भारत का सबसे प्राचीन माध्यम रहा है, और हम भी आकाशवाणी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने आकाशवाणी को पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नागालैंड, मिजोरम, हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, और 25-30 वर्ष से लगातार लोग जुड़े हुए हैं। मुझसे पुराने हैं, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, और लगभग 15 साल के करीब मुझे भी आकाशवाणी से जुड़े हुए हो गया। अब मित्रों, समस्या ये है कि प्रेस अपनी जगह काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो सबसे प्राचीन है, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, हम वहाँ पर अपना योगदान देते हैं और अपना कार्य करते हैं। लगातार कार्य करने के बावजूद भी आज तक हमारी स्थिति बिल्कुल दयनीय और शोषण के शिकार से पूरी तरह से ग्रस्त है। हमने आज, मैं अपनी बात कहने से पहले आपको एक अनुभव साझा करूंगा कि पिछले लगातार 2 साल के अंदर मैं यहाँ जंतर मंतर पर 5वीं या 6वीं बार अपनी बात रख रहा हूँ। लगातार हम आते रहते हैं, मन्ना जी को सारा कुछ पता है, मन्ना जी हमसे अच्छे से जुड़े हुए हैं, हम भी मन्ना जी से साथ में सहयोग लेते हैं, देते हैं, सब कुछ साझा होता है। अब बात यह है कि 25-30 साल से आकाशवाणी में काम करते करते हमारी स्थिति बड़ी बदतर है, और हमें वहाँ पर एक पदनाम जो दिया जाता है उसे हम कैजुअल अनाउंसर या कुंपियर के नाम से, हमारी जो एक शब्दावली है आकाशवाणी के संविधान के तहत, उसमें हमें इस्तेमाल किया जाता है, हम लोगों को बुलाया जाता है, हम पूरी सेवाएं देते हैं, पूरी कंप्लीट ड्यूटी एक दिन की जो होती है वो करते हैं। वही ड्यूटी आकाशवाणी के अंदर एक नियमित या आप जिसे कहेंगे रेगुलर एम्प्लॉय करता है, सेम काम, सब कुछ सेम। मोर ओवर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे जैसे लोग हैं, हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग इतने अधिक टैलेंटेड हैं, इतने अधिक योग्यता प्रतिभावान हैं, जो बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं, चाहे गीत संगीत की बात है, नाटक सुनाए जाते हैं, समाचार पढ़े जाते हैं। आप सभी समाचार पढ़ते सुनते होंगे, सुबह आकाशवाणी के 8 बजे समाचार प्रभात से समाचार सुनते हैं, फिर उसके बाद मॉर्निंग न्यूज आता है 8:15 पर, ऑल इंडिया में जाता है। एक से एक लाजवाब लोग हैं साहब, प्रस्तुति देते हैं, लोग दीवाने हैं, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ हमारी आवाज होती है। और आज हो क्या रहा है, मैं आपको सच्चाई से थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा। यह है कि जैसे जैसे हम लोग पुराने होते चले जाते हैं, हमारी वरिष्ठता बढ़ती है, हमारे अनुभव बढ़ते हैं, तो हमारे साथ खेल शुरू हो जाता है। क्या आप पुराने हो रहे हैं, आपकी आवाज खराब है, आपका प्रस्तुति का जो स्तर है वो बड़ा नीचा जा रहा है, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो तो आप देर से आते हैं, आप जल्दी चले जाते हैं, आपको आज ऑल इंडिया रेडियो के अंदर काम नहीं करना, आज आपको बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, छोटे छोटे खेल शुरू हो जाते हैं। मजे की बात जब शुरू होती है, जब वही काम एक रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉय करता है, उसकी उसमें कमी निकल आती है, और हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल साथी हैं, कैजुअल अनाउंसर और कंपियर हैं, वो उनसे अधिक बेहतर काम करते हुए उनसे अधिक शाबाशी और प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं। तो शुरू क्या होता है, जलसी शुरू होती है, फिर नीचा दिखाने के लिए और दूसरे खेल शुरू हो जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजियां होती हैं। हमारी महिला साथी अपना इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से प्रसारण देती हैं कि लोग उनकी मधुर आवाज के दीवाने हैं। विविध भारती से आज भी आप सुन सकते हैं, एक से एक कार्यक्रम आते हैं साहब, 2400 घंटे आकाशवाणी अपनी सेवाएं देता है, और उनमें 90% लोग
कॉन्ट्रेक्चुअल है जिनको निकालने का हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी दो दिन पहले हमारे ऑल इंडिया रेडियो के डीजी और प्रसार भारती के सीईओ को महिला आयोग ने नोटिस देके बुलाया और महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण की सारी बातें सुनी और उनको और आदेश दिया कि महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रताड़नाएं हैं इनको शीघ्र दूर किया जाए। मैं ये चाहूंगा, जी मुन्ना साहब का आदेश हो गया है, समय की कमी है, सभी को अवसर देना है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो प्रताड़नाएं हो रही हैं उनको तुरंत रोक के, जो हम सभी 20-25-30 साल से आकाशवाणी में सेवाएं दे रहे हैं, हमें तुरंत नियमित करने की ओर हमारे लिए कोई कदम उठाया जाए। हम लोग कोर्ट में भी खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, उसके बावजूद भी नए लोगों को भर्ती करके पुराने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का लगातार प्रयास हो रहा है। हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। आज